वेलकम टू यूनिगर्ब स्कूल। इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं वूकॉमर्स प्लगइन को कैसे सेटअप करते हैं। अगर आप लोग ई कॉमर्स वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हो तो वर्डप्रेस से, तो आप लोगों को वूकॉमर्स प्लगइन इंस्टॉल करना होगा और उसको सही से सेटअप करना होगा, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कैसे आप लोग ये जो वूकॉमर्स प्लगइन है इसको सेटअप करोगे अपना ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग हमारा जो वर्डप्रेस है उसका डैशबोर्ड के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर हम लोग सबसे पहले ई कॉमर्स जो प्लगइन है उसको इंस्टॉल करने वाले हैं। इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पर एट प्लगइन के अंदर, इंस्टॉल प्लगइन के अंदर एट न्यू प्लगइन में हम लोग क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम लोग सर्च करते हैं वूकॉमर्स लिखकर। यहाँ पर मैंने वूकॉमर्स लिखकर सर्च कर दिया और हमारा जो प्लगइन है वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ई कॉमर्स लिखकर सर्च किया और यहाँ पर वूकॉमर्स नाम का ये जो प्लगइन है वो यहाँ पर आ गया है और यहाँ पर देख सकते हो 5 मिलियन एक्टिव यहाँ पर है इस प्लगइन से, इतने ज़्यादा स्टोर बना हुआ है, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पर इंस्टॉल नाउ बटन में क्लिक करते हैं। जैसे ही हम लोग इंस्टॉल नाउ बटन में क्लिक करेंगे ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद इसको हम लोग सेटअप वगैरह करेंगे, ठीक है। तो हम लोग वेट करते हैं इसको इंस्टॉल होने तक। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमारा जो वूकॉमर्स प्लगइन है वो यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। अभी हम लोग इसको एक्टिव करेंगे। तो एक्टिव करने के लिए यहाँ पर एक्टिव बटन में क्लिक कर देते हैं और ये जो प्लगइन है इसको हम लोग एक्टिव कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव होने के बाद हम लोगों को इस तरह का विजेट सेटअप करने का ऑप्शन में लेकर आया है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो वेलकम टू वूकॉमर्स। तो हम लोग यहाँ पर सेटअप माई स्टोर यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम लोग सेलेक्ट करने वाले हैं हमारा जो डिस्क्राइब है वो यहाँ पर हम लोग देंगे। आई एम जस्ट स्टार्ट माई बिजनेस, आई एम ऑलरेडी सेलिंग और यहाँ पर आई एम सेटअप स्टोर फॉर क्लाइंट। तो हम लोग यहाँ पर बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं इसलिए यहाँ पर आई एम जस्ट स्टार्ट बिजनेस, ठीक है। तो यहाँ पर क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू बटन में क्लिक करना होगा। तो मैं यहाँ पर कंटिन्यू बटन में क्लिक कर दिया हूँ। उसके बाद आपका जो स्टोर नेम है वो यहाँ पर, हमारा जो वेबसाइट का नेम है वो यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग एस्ट्रोस का नेम देंगे। तो यहाँ पर हम लोग हमारा जो एस्ट्रोस है उसका नेम देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एस्ट्रोस का नेम दिया है वेब स्टोर, ठीक है। ये हमारा वेब स्टोर नेम है। उसके बाद यहाँ पर हमारा जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पर हम लोगों को सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर कौन टाइप का प्रोडक्ट आप लोग सेल करना चाहते हो वो यहाँ पर आपको यहाँ पर देना है। चोटिंग एंड एक्सेसरीज, हेल्थ एंड ब्यूटी, फूड एंड ड्रिंक, होम गार्डन, एजुकेशनल लर्निंग, इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटर, ठीक है। तो जो टाइप का प्रोडक्ट आप लोग यहाँ पर सेल करना चाहते हो वो आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपका जो स्टोरेज है उसका लोकेशन यहाँ पर ऐड करना है। जिस कंट्री से अगर हो आप लोग उस कंट्री का यहाँ पर लोकेशन सिलेक्ट करना है। तो मेरा जो लोकेशन है बांग्लादेश रंगपुर, ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट हुआ है तो हम लोग यही रखते हैं। उसके बाद कंटिन्यू बटन में क्लिक करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कंटिन्यू बटन में क्लिक कर दिया हूँ और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो गेट बूस्ट विथ आवर फ्री फीचर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों को बता रहा है तो जैकपैड प्लगइन इंस्टॉल करने का और यहाँ पर मेल पॉट और यहाँ पर योर प्रोडक्ट पिंटरेस्ट, यहाँ पर गूगल ड्राइव लिस्टिंग, ये सारा चीज़ें अगर आप लोग आपका ई कॉमर्स प्लगइन के अंदर इंस्टॉल करोगे तो यहाँ पर आपका जो स्टोर है वो ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। तो ये सारा चीज़ें आप लोग कंटिन्यू रखिए। तो यहाँ पर मैं कंटिन्यू बटन में क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमारा जो फीचर है वो रेडी हो रहा है। तो हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे और हमारा जो फीचर है वो रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा वेट करते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमारा जो वेलकम टू वेब स्टोर, ये हमारा स्टोर का नेम है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये सारा चीज़ें हैं। यहाँ पर एडेड प्रोडक्ट टू सेल, तो हम लोगों को यहाँ पर प्रोडक्ट ऐड करने के लिए बोल रहा है। उसके बाद सेटअप पेमेंट मेथड, उसके बाद टैक्स रेट, ये सारा चीज़ें सेटअप करने के लिए यहाँ पर बोल रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका जो सेटिंग है वो करेंगे, उसके बाद आपको प्रोडक्ट किसे ऐड करना है वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इसका जो सेटिंग है वो देखते हैं। यहाँ पर जाते हैं सेटिंग के अंदर, ठीक है। यहाँ पर सेटिंग के अंदर हम लोग क्लिक कर दिया है और यहाँ पर हम लोग हमारा जो सेटिंग है वो करने वाले हैं, ठीक है। तो इसको डिसमिस कर देते हैं और यहाँ पर सबसे पहले जो सेटिंग है वो यहाँ पर आपका एड्रेस लाइन, ठीक है। तो आपका एड्रेस यहाँ पर देना है, एड्रेस लाइन सेकेंड। तो आप लोग जिस एड्रेस में हो, जिस एड्रेस में आपका बिजनेस है उस एड्रेस यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। ओके, यहाँ पर मैंने डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पर सेकेंड एड्रेस में मैं कुछ भी नहीं दूंगा। उसके बाद सिटी के अंदर मैं यहाँ पर सिटी देता हूँ।
ओके सिटी के अंदर मैं यहाँ पर सिटी डाल दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पर हमारा कंट्री और स्टेट से भी दिया हुआ है। उसके बाद पोस्टल कोड यहाँ पर देना है, तो मेरा पोस्टल कोड मैं डाल दिया है। उसके बाद सेलिंग लोकेशन, यहाँ पर ऑल लोकेशन के अगर आप लोग सेल करना चाहते हो तो कर सकते हो, जैसे कि सेल टू ऑल कंट्री, ठीक है। तो अगर आप लोग ऑल कंट्री में सेल नहीं करना चाहते हो, जस्ट इंडिया में सेल करना चाहते हो, जस्ट बांग्लादेश में सेल करना चाहते हो, जस्ट नेपाल में पाकिस्तान में सेल करना चाहते हो, वो सारा चीज़ें यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर सेल टू स्पेसिफिक कंट्री यहाँ पर क्लिक कर दूँगा, और यहाँ पर मैं मेरा जो कंट्री है वो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर दूंगा, मैं जिस कंट्री के अंदर सिलेक्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इंडिया सिलेक्ट कर दिया हूँ, यहाँ पर मैंने बांग्लादेश भी दे दिया है, इंडिया और बांग्लादेश में सेल करना चाहता हूँ, ठीक है। तो अगर आप लोग ऑल कंट्री में सेल करना चाहते हो तो यहाँ पर सेल टू ऑल कंट्री दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर शिपिंग लोकेशन, यहाँ पर आपका जो शिपिंग लोकेशन है वो कहाँ पर है, शिप टू ऑल कंट्रीज और यहाँ पर शिप टू स्पेसिफिक कंट्री ओनली, डिजेबल शिपिंग और शिपिंग कैलकुलेशन, ठीक। अगर आप लोग डिजिटल प्रोडक्ट यहाँ पर सेल करते हो, जैसे कि डाउनलोड करने का प्रोडक्ट, तो आप लोग यहाँ पर डिजिबल शिपिंग और कैलकुलेशन को यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, शिपिंग करेंगे, इसलिए यहाँ पर शिप टू ऑल कंट्री नहीं देकर हम लोग शिप टू स्पेसिफिक कंट्री ओनली, और यहाँ पर फिर से हम लोग बांग्लादेश एंड इंडिया सिलेक्ट कर देंगे, यहाँ पर बांग्लादेश एंड इंडिया यहाँ पर हम लोग सिलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। ओके यहाँ पर मैंने बांग्लादेश एंड इंडिया सिलेक्ट कर दिया है। उसके बाद डिफॉल्ट कस्टमर लोकेशन, यहाँ पर सब कंट्री रीजन यही रहेगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो इनेबल टैक्स, ठीक है। तो टैक्स को हम लोग कैलकुलेट करेंगे, इसलिए इसको इनेबल कर देते हैं। उसके बाद इनेबल कूपन, कूपन भी हम लोग यहाँ पर इनेबल करते हैं और इसको टिक मार देते हैं। और यहाँ पर करेंसी, करेंसी आपका करेंसी सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ पर, तो यहाँ पर यूएस डॉलर है, यहाँ पर हम लोग इंडियन रुपया का देते हैं, इंडियन, यहाँ पर मैंने इंडियन रुपी डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट सेव में क्लिक कर देना है, ठीक है, जस्ट सेव में क्लिक कर देना है, ये सारा चीज़ें आपका सेव हो जाएगा। ओके ये हमारा सारा चीज़ें सेव हो चुका है। अभी हम लोग जाएंगे प्रोडक्ट ऑप्शन के अंदर, यहाँ पर जाते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट ऑप्शन के अंदर यहाँ पर देख सकते हो शॉप पेज, यहाँ पर शॉप यही रहेगा। उसके बाद एडिट कार्ट बिहेवियर, यहाँ पर देख सकते हो इनेबल कार्ट बटन यही रहेगा। अगर रीडायरेक्ट टू कार्ट पेज आफ्टर सक्सेसफुली एडिशन, तो अगर आप लोग कार्ट में क्लिक करके ही यहाँ पर रीडायरेक्ट करना चाहते हो तो ये भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसको मैं ऑन करके यहाँ पर इसको डिजेबल करता हूँ और इसको ऑन करता हूँ, ठीक है। उसके बाद पेज होल्डर इमेज सिक्स है, यहाँ पर ये सारा चीज़ें हैं। यहाँ पर इनेबल प्रोडक्ट रिव्यू, अगर प्रोडक्ट रिव्यू देना चाहते हैं आपका यूज़र तो इसको इनेबल रखना। शो वेरीफाई ओनर, इसको भी इनेबल रखना। रिव्यू कैन ओनली लेफ्ट वेरीफाई ओनर, ओके ये सारा चीज़ें हैं। यहाँ पर रेटिंग वगैरह देने का ऑप्शन है, ये सारा चीज़ें सब रहेगा। उसके बाद सेव में क्लिक कर देना है ये सारा चीज़ें सेव करने के लिए। उसके बाद हम लोग यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर ऑप्शन और है, यहाँ पर मैनेज स्टॉक, इनेबल मैनेज स्टॉक, यहाँ पर होल्ड 60 है। तो अगर आप लोग मैनेज स्टॉक करना चाहते हो तो ये सारा चीज़ें होल्ड वगैरह कर सकते हो, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। लो स्टॉक, अगर यहाँ पर लो स्टॉक दिखाना है तो कितने में लो स्टॉक दिखाएगा, तो यहाँ पर मैं 10 देता हूँ, 10 अगर है तो लो स्टॉक दिखाएगा, और आउट ऑफ स्टॉक 0 होगा तब दिखाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सेव में क्लिक कर देना। उसके बाद डाउनलोडेबल प्रोडक्ट, अगर आपका डिजिटल प्रोडक्ट है, डाउनलोडेबल प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो फर्स्ट डाउनलोड यही रहेगा। उसके बाद अलाउ यूज़र रीडायरेक्ट मोड, इसको इनेबल करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर डाउनलोड रिक्वायर्ड लॉगिन, इसको इनेबल कर लेना है, क्योंकि आपका वेबसाइट में कोई भी डाउनलोड नहीं कर सकता जब तक आपका जो स्टोर है उसमें लॉगिन नहीं करेगा, तो ठीक है, तो इसको लॉगिन इनेबल कर देना है। उसके बाद यहाँ पर ओपन इन ब्राउज़र, तो यहाँ पर ओपन इन ब्राउज़र, ओके इसको सेव कर देना, और यहाँ पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट सेव कर देना। उसके बाद अप्रूव डाउनलोड डायरेक्टरी, यहाँ पर जाना है, और यहाँ पर आपका जो डाउनलोड डायरेक्टरी वही रहेगा, इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। एडवांस में अगर जाते हैं तो एडवांस में आप लोग इनेबल टेबल यूजिंग, ये सारा चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग यहाँ पर टैक्स जो ऑप्शन है इसके अंदर जाते हैं और इसका सेटिंग वगैरह करते हैं। ओके यहाँ पर देख सकते हो आई विल इंटर प्राइस इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, यहाँ पर क्लिक करना, और यहाँ पर टैक्स ऐड करना, यहाँ पर कस्टमर शिपिंग एड्रेस, कस्टमर बिलिंग एड्रेस, यहाँ पर शिपिंग एड्रेस में हम लोग रखते हैं, शिपिंग टैक्स यहाँ पर देते हैं, यही रहेगा। उसके बाद यहाँ पर टैक्स रेट,
यहाँ पर टैक्स रेट आप लोग देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पर जीरो टैक्स रेट, यहाँ पर 10% वगैरह देख सकते हो, हम लोग अभी इसको ज़ीरो ही रखते हैं। और यहाँ पर डिस्प्ले प्राइस, यहाँ पर इंक्लूडिंग टैक्स देते हैं, और यहाँ पर डिस्प्ले प्राइस डूइंग कार्ट इंक्लूडिंग टैक्स ये भी देते हैं। उसके बाद यहाँ पर प्राइस वगैरह है, और यहाँ पर डिस्प्ले टोटल ये रहेगा। उसके बाद सेव में क्लिक करना तो ये सेटिंग हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद स्टैंडर्ड रेट यहाँ पर अगर क्लिक करोगे तो यहाँ पर टैक्स ऐड करने का ऑप्शन है, और यहाँ पर टैक्स ऐड करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर कंट्री कोड, स्टेट कोड, यहाँ पर पोस्टल कोड वगैरह है। तो यहाँ पर आप लोग अगर इंसर्ट रोल में क्लिक करोगे तो यहाँ पर कंट्री कोड देना है। सबसे पहले आपका जो कंट्री कोड है वो यहाँ पर आपको देना है। तो यहाँ पर हम लोग IN देते हैं, तो यही कंट्री कोड होगा इंडिया का, IN इंडिया, ओके आ गया इंडिया। उसके बाद स्टेट कोड, यानी कि कौन सा स्टेट में कौन सा कोड यहाँ पर, जैसे कि मैं दिल्ली का अगर देना चाहता हूँ तो ये दिल्ली स्टेट कोड लिख कर अगर सर्च करता हूँ तो देख सकते हो यहाँ पर स्टेट कोड लिस्ट है। तो यहाँ पर हम लोग DL देते हैं, यही हमारा स्टेट कोड है। तो यहाँ पर स्टेट कोड डाल दिया है। उसके बाद पोस्टल कोड यानी कि जिप कोड, तो हम लोग यहाँ पर जिप कोड डालते हैं। उसके बाद यहाँ पर सिटी, सिटी में हम लोग यहाँ पर दिल्ली रखते हैं, दिल्ली, ओके दिल्ली। उसके बाद यहाँ पर रेट, आपका जो टैक्स है वो रेट कितना है, कितना परसेंट, मैं 10% देता हूँ। यहाँ पर टैक्स नेम देना है, और यहाँ पर शिपिंग में क्लिक करके इसको सेव कर देना, ये सेव हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये हमारा सेव हो चुका, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये हमारा सेव हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आप लोग अगर जिस जिस शिपिंग एड्रेस में जितना टैक्स लेना चाहते हो वो यहाँ पर इंसर्ट रूल में क्लिक करके इस तरह का ऐड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर जाते हैं, ओके यहाँ पर हम लोग जाते हैं नेक्स्ट स्टेप के अंदर, और यहाँ पर भी सेम चीज आपको करना है। यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर कंट्री कोड, स्टेट कोड, पोस्टल कोड वगैरह देकर ये सारा चीज़ें करना है। और जीरो रेट यहाँ पर अगर आप लोग जाते हो, जीरो टैक्स रेट, यहाँ पर किस किस कंट्री में और कहाँ से जीरो रेट लेना चाहते हो वो सारा चीज़ यहाँ पर सेटअप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम लोग जाते हैं नेक्स्ट स्टेप में शिपिंग में, ठीक है। यहाँ पर शिपिंग में हम लोग जाते हैं, शिपिंग के अंदर यहाँ पर लोकेशन दिखाई देगा, यहाँ पर हम लोग इसको कट करते हैं। यहाँ पर देख सकते हो बांग्लादेश दिखाई दे रहा है, फ्री शिपिंग, और यहाँ पर और भी ऐड यहाँ पर कर सकते हो, ऐड लोकेशन में क्लिक करके यहाँ पर जून सिलेक्ट कर सकते हो, और यहाँ पर आपका जो कंट्री है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो, इंडिया वगैरह यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये सारा चीज़ें यहाँ पर आप लोग खुद ही सेट कर लीजिएगा। और शिपिंग ऑप्शन में अगर हम लोग जाते हैं तो यहाँ पर कैलकुलेट ये सारा चीज़ें हम लोग इनेबल करके रखा है पहले से ही, ठीक है। उसके बाद हम लोग शिपिंग क्लास के अंदर अगर हम लोग जाते हैं तो यहाँ पर भी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। पेमेंट ऑप्शन में अगर हम लोग जाते हैं तो यहाँ पर पेमेंट ऑप्शन को इनेबल करने का ऑप्शन है, देख सकते हो, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र, चेक पेमेंट, कैश ऑन डिलीवरी। कैश ऑन डिलीवरी को हम लोग अगर इनेबल करते हैं तो ये इनेबल हो जाएगा। उसके बाद फिनिश सेटअप में अगर क्लिक करते हैं तो ये सेटअप होने का ऑप्शन आएगा, कैश ऑन डिलीवरी, पे ऑन डिलीवरी, ये सारा चीज़ें हैं। तो ये सारा चीज़ें आप लोग यहाँ से कंट्रोल करके यहाँ पर सेव में क्लिक करोगे तो आपका जो पेमेंट मेथड है वो सेव हो जाएगा, ठीक है। और भी पेमेंट मेथड अगर ऐड करना चाहते हो, कैसे ऐड करते हैं वो हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग जाते हैं अकाउंट और प्राइवेसी सेटिंग के अंदर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो गेस्ट चेकआउट, ये यहाँ पर अलाउ कस्टमर टू प्लेस ऑर्डर विदाउट अकाउंट, तो इसको हम लोग अनचेक करते हैं। यहाँ पर अलाउ कस्टमर इंट्रो एग्जिस्टिंग अकाउंट ड्यूरिंग चेकआउट, इसको हम लोग इनेबल करते हैं क्योंकि हम लोग नहीं चाहते विदाउट अकाउंट में हम लोगों को कोई डिलीवरी ऑर्डर करे, ठीक है। उसके बाद अकाउंट क्रिएशन, अलाउ कस्टमर क्रेडिट अकाउंट, ओके इसको हम लोग इनेबल करते हैं। अलाउ कस्टमर क्रिएट अकाउंट माई पेस, इसको भी इनेबल करते हैं। ये सारा चीज़ इनेबल करके जाना है। उसके बाद रिमूव पर्सनल डाटा ऑर्डर रिक्वेस्ट, ओके रिमूव एक्सेस टू डाउनलोड रिक्वेस्ट, इसको ओपन करना है। अलाउ पर्सनल डाटा रिमूव ब्लैंक ऑर्डर, इसको इनेबल करते हैं। और ये सारा चीज़ें इनेबल है, ठीक है। यहाँ पर और भी चीज़ करने की आपको ज़रूरत नहीं है, जस्ट सेव में क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग जाते हैं ईमेल ऑप्शन के अंदर। ईमेल ऑप्शन के अंदर आपको मिलेगा न्यू ऑर्डर ईमेल, कैंसलेशन ईमेल, फेल्ड ऑर्डर, उसके बाद ऑर्डर ऑन होल्ड, प्रोसेसिंग ऑर्डर, कंप्लीट ऑर्डर, ये सारा चीज़ें यहाँ पर आपको दिखेगा। और यहाँ पर सेंडर नेम यहाँ पर देना होगा, सेंडर फ्रॉम यूनिक वेब स्कूल, यहाँ पर आपका वेब स्टोर का नाम देना है, ठीक है। जैसे कि मेरा वेब स्टोर, मैं यहाँ पर वेब स्टोर डाल दूंगा। उसके बाद आपका ईमेल यहाँ पर डालना है, और यहाँ पर हेडर इमेज देना चाहते हो दे सकते हो, यहाँ पर साइट का टाइटल वगैरह आ जाएगा ऑटोमेटिकली। उसके बाद यहाँ पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग
यहाँ पर न्यू ऑर्डर ईमेल को यहाँ पर एडिट करना चाहता हूँ। जैसे कि इसको हम लोग पहले सेव कर लेते हैं, जो ईमेल है उसको अगर एडिट करना चाहता हूँ तो एडिट कर सकते हो। जैसे कि न्यू ऑर्डर का ईमेल, इसको हम लोग मैनेज के अंदर क्लिक करते हैं और यहाँ पर आप लोग इसको एडिट कर सकते हो, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन द सेल। ठीक है, ये सारा चीज़ें हैं, यहाँ पर एडिट वगैरह कर सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं। यहाँ पर इंटीग्रेशन के अंदर अगर हम लोग जाते हैं तो यहाँ पर देख सकते हो कुछ लाइसेंस की और डेटाबेस पाथ यहाँ पर सेटअप करने की ये सारा चीज़ें कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद एडवांस ऑप्शन में अगर हम लोग जाते हैं तो यहाँ पर पेज सेटअप का ऑप्शन है। यहाँ पर देख सकते हो ये चेकआउट पेज ये ऑटोमेटिकली ले लिया है। उसके बाद चेकआउट यहाँ पर पेज, वहाँ पर माई अकाउंट पेज और टर्म्स एंड कंडीशन पेज यहाँ पर अगर ऐड करना है तो आपको पेज के अंदर जाकर यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन पेज सबसे पहले क्रिएट करना होगा तो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद सिक्योर चेकआउट इसको हम लोग इनेबल कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर पे नाम का ऑर्डर पे ये सारा चीज़ें हैं और यहाँ पर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट सेव में क्लिक कर दीजिए तो ये सारा चीज़ें सेव हो जाएगी। उसके बाद रिसेट एपीआई में अगर हम लोग जाते हैं तो यहाँ पर क्रिएट एन एपीआई ये सारा चीज़ें हैं, ये सारा चीज़ें करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग तब भी चाहते हो ये सारा चीज़ें क्रिएट करना तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको ये सारा चीज़ें भी करके दिखाऊंगा। यहाँ पर कुछ भी करने की आपको ज़रूरत नहीं, आपका बेसिक जो सेटअप है वो हो गया है और कुछ सेटअप करने की आपको ज़रूरत नहीं है। जस्ट यहाँ पर अगर हम लोग होम पेज के अंदर जाते हैं, यहाँ पर थ्री दिखा रहा है, यहाँ पर प्रोडक्ट ऐड करने का यहाँ पर ऑप्शन दिखाएगा। ठीक है, यही सब चीज़ है, इस तरह के आपको सेटअप करना है। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पर प्रोडक्ट ऐड करने का ऑप्शन दिखा रहा है, ये सारा चीज़। तो इस वीडियो के अंदर फिलहाल इतना ही, हम लोग आपको पूरा और ई कॉमर्स सेटअप करने का ऑप्शन आपको दिखाया है। अगर इस वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए और हमारा जो यूनिक वेब स्कूल यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए। थैंक